डीएससी डीओ वेरिफिकेशन इन टीचर ट्रांसफर पोर्टल। वेरिफिकेशन करने के लिए हम सर्वप्रथम टीचर ट्रांसफर पोर्टल के साइट को लॉगिन करेंगे ov.in। अब जैसे ही ये यूआरएल टाइप करेंगे आपके सामने ये होम पेज ओपन हो जाएगा। इस होम पेज में सर्वप्रथम आपको लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहां पे एक पासवर्ड की आवश्यकता होगी, वो पासवर्ड हम यहां पे क्लिक हेयर ऑप्शन पे टिक करके प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पासवर्ड के लिए क्लिक हेयर पे टिक करेंगे। जैसे हमारे सामने ये डैशबोर्ड ओपन होगा, हम यहां पे अपना ईमेल आईडी फिल करेंगे। ईमेल आईडी वही होगा जो हमने ई विद्यावाहिनी में अपडेट किया हुआ है। ईमेल आईडी के पश्चात हम यहां पे कैप्चा कोड फिल करेंगे। कैप्चा कोड क्या होगा, तो ये दोनों संख्याओं का सम होगा। उसके पश्चात हम ईमेल न्यू पासवर्ड करेंगे। ईमेल न्यू पासवर्ड करते ही हमारे ईमेल आईडी में एक नया पासवर्ड रिसीव होगा। जैसे ही पासवर्ड रिसीव हो जाता है हम पुनः लॉगिन बटन पे आ जाएंगे और यहां पे यूजर नेम वही होगा जो आपको ई विद्यावाहिनी के माध्यम से प्राप्त हुआ है, और पासवर्ड वो होगा जो अभी आपने ईमेल में प्राप्त किया। जैसे ही लॉगिन करते हैं हमारे सामने ये डैशबोर्ड खुल जाता है। यहां पे सारे एप्लीकेंट के डिटेल हमारे पास उपलब्ध है, जैसे टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट, पेंडिंग एप्लीकेशन फॉर वर्क, सेंड बैक टू एप्लीकेंट फॉर रेक्टिफिकेशन। यहाँ पे वो एप्लीकेशन आएंगे जिसे आपने कुछ त्रुटियां या कमी होने की वजह से पुनः एप्लीकेंट को सेंड कर दिया था। उसके बाद रिजेक्टेड एप्लीकेशन, अप्रूव्ड एप्लीकेशन, रीअप्लाई एप्लीकेशन। रीअप्लाई एप्लीकेशन में वो सारे एप्लीकेशन होंगे जिसे आपने त्रुटियां या कमियां होने के वजह से एप्लीकेंट को सेंड किया था और एप्लीकेंट ने उसे पुनः अप्लाई किया था। उसके बाद बीओ अप्रूव्ड एप्लीकेशन, बीओ सेंड बैक लिस्ट, बीओ पेंडिंग लिस्ट अवेलेबल है। अप्रूवल के लिए आप टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन या फिर पेंडिंग एप्लीकेशन फॉर वर्क से भी एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। पेंडिंग एप्लीकेशन में जाने के पश्चात हम यहां पे देखते हैं कितने सारे एप्लीकेशन है जो अप्रूवल के लिए पेंडिंग है। यहां पे उदाहरण के तौर पे एक एप्लीकेशन लिया गया है। यहां पे व्यू बटन पे क्लिक करने के पश्चात वो एप्लीकेशन हमारे सामने खुल जाता है। एप्लीकेशन खुलने के बाद हम इसके सारे तथ्यों को जांचने के बाद हम अंत में अपना रिमार्क देते हैं। रिमार्क देने के बाद हम यहां पे या तो अप्रूव करें, या तो सेंड बैक टू एप्लीकेंट करें, या फिर इसे हम रिजेक्ट करें। और एक जानकारी और हमें फिल करना है, वो है हमारा पीटीआर, डिस्ट्रिक्ट पीटीआर एंड स्कूल पीटीआर। आपको दो चीजें फिल करनी है, पीटीआर देन रिमार्क, उसके बाद या तो अप्रूव, सेंड बैक टू एप्लीकेंट या रिजेक्ट। एक बातों का ध्यान रखना है, रिजेक्ट के केस में हमें यहां पे ये चेकबॉक्स पे टिक करना होगा कि किस पॉइंट पे रिजेक्शन हो रहा है। इस तरह आप किसी भी आवेदन को या तो अप्रूव या तो रिजेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।